गोशु 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 कुचु मुचु गोशु। तो हेलो दोस्तों, मिलिए हमारे नए दोस्तों से गोशुस। हमारे घर ये रैबिट्स की आए, बच्चों की तो ईद लग गई। दोस्तों, इससे पहले मैंने तोते, मुर्गियां, कबूतर, चूजे वगैरह बहुत कुछ रखा है, लेकिन रैबिट्स रखने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो यार, अभी एक इशू हो गया है। मैंने इन रैबिट्स को बाहर निकाला हुआ था, ये अचानक से भागा और सीधा जाके नाले में गिर गया। अभी इसके ऊपर पानी लगा हुआ है नाली वाला, और मैंने इसको धोया नहीं है, इसके ऊपर और पानी नहीं डाला, ऐसा ना हो कि इसकी हालत और बिगड़ जाए। इनके खाने का इशू तो रिजॉल्व हो गया। मैंने जहाँ से लिए थे उन्होंने मुझे कहा था कि ये फल, सब्जियाँ, घास वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, और मैंने इनको ला कर दी और एज एक्सपेक्ट ये खा भी रहे हैं। लेकिन एक इशू अभी भी बाकी है। मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है कि रैबिट्स अक्सर बिलों में या जमीन में गड्ढे खोद कर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, इनका ये इशू भी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे नए दोस्त गोशूस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय। गुचु गुचु।